हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में जिसका नाम है मसल एक्सपी। आप सब में से ऐसे कितने लोग हैं जो रोज वर्कआउट करते हैं बट फिर भी उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। सो हर काम को करने के लिए कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर होती है। सेम हैपेंस विद योर वर्कआउट। ये ऐसे थंब रूल्स हैं जो आप अपने ट्रेनर से या फिर अपने एक्सपीरियंस फ्रेंड से सीखते हैं एंड ये रूल्स आपके टिप्स पे रहने चाहिए। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इज स्टे हाइड्रेटेड। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट डजंट मैटर इट वर्कआउट करने से पहले आपकी वाटर इनटेक कितनी है या फिर आफ्टर वर्कआउट आपकी वाटर इनटेक कितनी रहेगी, आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज वाटर जरूर पीना चाहिए। आपको हर 15 टू 20 मिनट्स के गैप पे 1 कप वाटर जरूर पीना है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एज स्वीट evaporates from your skin, it removes heat from your body, but you also lose body fluid. So, जो fluid आपकी body ने lose किया है, उसको replace करने के लिए you have to drink water regularly during exercise. और आपकी body hydrated है या नहीं, इसका पता आप अपने urine के color से लगा सकते हैं। If your urine are pale yellow color, then it means your body is completely hydrated. The second thumb rule is take rest between sets. Yes, it may sounds awkward, but it's true. जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं, then इनके sets में 3 to 5 minutes का ब्रेक जरूर होना चाहिए। According to some studies, ऐसा देखा गया है कि जब भी आप sets के बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं, then it helps you to do more reps with more intensity. The main reason to take rest between reps is to increase strength. But always keep in mind कि सुपर शॉर्ट ब्रेक लाइक 15 टू 20 सेकेंड इज नॉट एनफ। तो ऑप्टिमल रेस्ट डिपेंड अपॉन द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ योर वर्कआउट। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म की और पोस्चर की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गुड फॉर्म पोस्चर ऑन इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स टू। इफ यू आर अंडर प्रोफेशनल ट्रेनर देन ही विल ऑलवेज एम्फेसाइज यू दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन प्रॉपर फॉर्म बोथ to get a good workout and to avoid injury. The most common mistakes जो beginners करते हैं वो ये कि they started learning on the machines and letting it do much of work of for you. और इस reason से उनकी form भी सही नहीं बन पाती। So it is always better to start with slower speed, lesser intensity or resistance type of workout. So that आपको पहले पता चला कि आपको कौन सी एक्सरसाइज किस इंटेंसिटी से करनी है और किस फॉर्म में करनी है एंड देन यू विल सी बेटर आउटपुट एंड साथ ही साथ आप इंजरीज से भी बचे रहेंगे। द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज ब्रीथ व्हाइल स्ट्रेचिंग। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू 2 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचिंग। तो आपने क्या नोटिस किया? यस, इट इज कॉमन टू होल्ड ब्रीथ व्हाइल स्ट्रेचिंग यूजुअली विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। इंस्टेड try to use this time pre or post exercise to inhale and exhale mindfully. This will help you move deeper into the stretch, allowing your muscles to relax more fully. Now let's discuss about warm up. आप सबने ये तो सुना ही होगा कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत जरूरी है और इसको करने से आप इंजरीज से बचे रह रहे हैं और साथ ही साथ एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। It can also help to your body flexibility and reduce soreness after your workout. Last but not the least is listen to your body. आजकल सबको complete करते करते हर इंसान अपनी ability को भूल जाता है जो बाद में उसके और उसकी health के लिए बहुत बुरी साबित होता है। Same happens in gym and person who does exercise daily. So if you are not used to workout daily then be mindful of your limit. A good pain is important, but इसके अलावा अगर आप कोई pain या discomfort feel कर रहे हैं, then it's a signal of stop. So please stop and rest before continuing. क्योंकि pain में heavy workout करना या normal exercise भी करना is not good idea because it can cause injuries. Also remember that working out harder and faster is not necessarily better. इसलिए हमेशा take time according to your body and strength and in turn it can help you maintain your routine in the long term and make the most of it. So इस वीडियो में हमने आपको बताया
कि ऐसी कौन सी बातें जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, देन इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यू विल गेट पॉजिटिव बेनिफिट्स आफ्टर फॉलोइंग दीज रूल्स। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड टू गेट रेगुलर अपडेट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी ही मिलते हैं विद न्यू वीडियो। बाय बाय गाइज, टिल देन टेक केयर।